नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ ही दिनों में हम लोग जाने वाले हैं गोवा मेरी एक्सयूवी 300 लेके, और गाड़ी को 2.5 महीना हो चुका है, पहली सर्विस भी कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरा दूसरा वीडियो है इस गाड़ी के ऊपर। गोवा जाने से पहले मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ ये सनसेट मैग्नेटिक है, और आरटीओ के रूल्स के हिसाब से हम लोग ग्लास के ऊपर फिल्म नहीं लगा सकते, तो उसकी जगह मैं ये सनसेट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इसे मैंने शोरूम से ही परचेस किया था, लगभग 1400-1500 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। अब हम लोग लगाने वाले हैं ये डोर सील प्रोटेक्टर जो एसएस से बने हुए हैं। इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था और लगभग 600-700 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। वैसे आगे की तरफ तो यहाँ पे दिया हुआ है, वरना ये मैं यहाँ पे लगा था, तो मैं आगे की तरफ नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये वाला जो है वो पीछे की तरफ लगेगा यहाँ पे। वैसे थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसे काम चलाना पड़ेगा। ये पीछे की तरफ कुछ स्टिकर है, उसको हमें निकाल के लगाना होगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं इसे यहाँ पे ये लगाने वाला हूँ। अभी जो मेन काम है वो मैं करने वाला हूँ कि जो ये टायर का ये ब्रेक के जो कैलिपर्स है उसका कलर मैं चेंज करने वाला हूँ। अभी मैंने एक गाड़ी जो लॉन्च हुई थी किया की सेल्टर, उस गाड़ी में मैंने देखा था कि जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसके सभी कैलिपर्स जो है उसको रेड कलर किया हुआ था, और जो भी स्पोर्ट्स कार होती है बड़ी बड़ी उसके अंदर कैलिपर्स के कलर जो है वो या तो येल्लो होते हैं या रेड कलर के होते हैं। ब्लैक कलर की गाड़ी के अंदर येल्लो कलर काफ़ी अच्छा लगता है और वाइट कलर की गाड़ी के अंदर रेड कलर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी जो है ब्लैक कलर की है तो मैं उसमें रेड कलर करने वाला हूँ इस कैलिपर्स के अंदर। वैसे ये मॉडल जो है वो W8 ऑप्शनल मॉडल है, तो चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक हमें मिलती है, तो चारों टायर के अंदर कैलिपर्स भी होंगे। तो अगर मैं चारों टायर के कैलिपर्स को रेड कलर कर देता हूँ तो इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। वैसे ये काम जो है वो काफ़ी ठगा देने वाला होगा, मेरे पास एक ही जैक है, तो उस जैक से मैं सबसे पहले इस टायर को निकालूंगा और बाद में मैं इसे पेंट करूंगा कैलिपर्स को, और वो सूखने तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। बाद में दूसरा टायर है, ऐसे चार टायर है तो चारों टायर में करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ कैलिपर्स को कलर करने के लिए, और यहाँ पर मैंने पहला जो कलर मंगवाया था वो फ्लोरोसेंट रेड मंगवाया था, लेकिन ये इतना अच्छा मुझे नहीं लगा क्योंकि ये ऑरेंज जैसा था। बाद में मैंने ये ऑरेंज रेड मंगवाया तो ये कलर काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ कि ये दोनों कलर कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कलर है वो फ्लोरोसेंट रेड है और ये वाला जो है ऑरेंज रेड है, तो मुझे ऑरेंज ये ज़्यादा लगा तो मैं इस पेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टायर तो काफ़ी आसानी से निकल गया, और यहाँ पे जो आप कैलिपर्स देख रहे हो ये देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो सिल्वर कलर है, मैं इसे रेड कलर पेंट करने वाला हूँ। और उसके लिए मुझे ये सारा जो है वो मुझे पेपर या किसी कपड़े से ढकना होगा, तभी मैं इसको पेंट कर पाऊँगा।
तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और बारी है अभी स्प्रे पेंट करने की, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे से पेंट तो कर दिया है, अभी थोड़ी देर में इसे सूखने देने वाला हूँ, बाद में ये सब कुछ निकाल के टायर फिट करूँगा। देखते हैं ये कलर जो है वो कितने समय तक रहेगा, अगर निकल जाता है तो इसमें मैं और पक्का कलर लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसी को रहने देने वाला हूँ। तो फाइनली चारों टायर के जो कैलिपर्स है वो कलर हो चुके हैं और उम्मीद से कई ज़्यादा अच्छे मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ 200 रुपये में ही मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन जो है गाड़ी के अंदर करने हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी इतना ही करने वाला हूँ। गोवा से आने के बाद मैं और भी कुछ नया करने वाला हूँ। फिलहाल आज के व्लॉग्स में इतना ही और मिलते हैं गोवा के व्लॉग्स के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।